नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में मिले कोविड 19 के 4500 से ज्यादा मामले। बिहार के विभाग में 2500 कर्मियों की जल्द होगी बहाली। प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन रिचार्ज करना पड़ेगा लाभदायक। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले कोविड 19 के 4500 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 4526 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 12311 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 23, अरवल में 45, औरंगाबाद में 46, बांका में 44, बेगूसराय में 276, भागलपुर में 53, भोजपुर में 77, बक्सर में 30, दरभंगा में 73, ईस्ट चंपारण में 88, गया में 284, गोपालगंज में 13, जमुई में 67, जहानाबाद में 61, कैमूर में 16, कटिहार में 53, खगड़िया में 14, किशनगंज में 51, लखीसराय में 27, मधेपुरा में 37, मधुबनी में 58, मुंगेर में 26, मुजफ्फरपुर में 263, नालंदा में 212, नवादा में 22, पटना में 1956, पूर्णिया में 43, रोहतास में 61, सहरसा में 37, समस्तीपुर में 61, सारण में 110, शेखपुरा में 5, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 90, सिवान में 18, सुपौल में 32, वैशाली में 60, वेस्ट चंपारण में 32 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए सैंपल में से कुल मिलाकर 47 सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 210,323 सैंपल की जांच की गई, वहीं 704 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम बिहार सरकार जोर शोर से बिहार भर में कर रही है। अब तक कई घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया जा चुका है, वहीं कई घरों में लगाने का काम किया जा रहा है। इसी बीच स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर बिजली बिल में मिलने वाली 3% की छूट में बिजली कंपनी ने आंशिक बदलाव किया है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर सभी उपभोक्ताओं को 2% छूट मिलेगी, लेकिन उनको 1% अतिरिक्त छूट तभी मिलेगी जब वो ऑनलाइन रिचार्ज करवाएंगे। रिचार्ज कूपन लेने पर उपभोक्ताओं को मिलने वाली 1% की अतिरिक्त छूट नहीं मिलेगी। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है। रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न पदों के लिए मांगे आवेदन। रक्षा मंत्रालय ने जूनियर हिंदी अनुवादक, उपमंडल अधिकारी, हिंदी टाइपिस्ट के कुल मिलाकर 97 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समकक्ष और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद में डिप्लोमा कोर्स और 2 साल का अनुभव या 10वीं कक्षा पास और सर्वेक्षण में डिप्लोमा या सिविल में ड्राफ्ट्समैनशिप या फिर कक्षा 10वीं पास और 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग का ज्ञान होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 जनवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mod.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार पुलिस खरीदेगी 2 आधुनिक ड्रोन। बिहार पुलिस अब और ज्यादा आधुनिक और एडवांस होने वाली है, क्योंकि बिहार पुलिस अब शराब के कारोबार पर नजर रखने के लिए ड्रोन खरीदने जा रही है। इसको लेकर बिहार की पुलिस ने जंगलों, पहाड़ों और सुदूरवर्ती इलाकों में उग्रवादियों और शराब विक्रेताओं पर नजर बनाकर रखने में कामयाबी हासिल कर सकेगी। मिली जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति यानी मार्च 2022 तक इन 2 आधुनिक ड्रोनों की खरीद हो जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये पहली बार होगा जब बिहार पुलिस के पास अपना उच्च क्षमता वाला ड्रोन होगा। हालांकि पहले बिहार सरकार को CRPF के ही ड्रोन का सहारा लेकर नक्सली ऑपरेशन करना होता था, अब STF के पास अपना ड्रोन होगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गीताश्री की। गीताश्री पत्रकार और साहित्यकार है। कहानी, कविता, लेख इनकी प्रमुख विधाएं हैं। लाइव इंडिया वेबसाइट की संपादक गीताश्री, आउटलुक पत्रिका के सहायक संपादक और बिंदिया पत्रिका की संपादक रही है। गीताश्री का जन्म 31 दिसंबर में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ। गीताश्री ने अब तक कविता जितना हक, औरतों की बोली, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र, नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, तेज लेखिकाएं और राजेंद्र यादव प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां, सोनमछरी जैसी रचनाएं की हैं। उन्हें उनके काम के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार, मातृश्री अवार्ड, राष्ट्रीय कला समीक्षा सम्मान, ग्रासरूट बेस्ट फीचर अवार्ड, UNFPA लाडली मीडिया अवार्ड समेत कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार
के इस विभाग में 2500 कर्मियों की जल्द होगी बहाली। बिहार में एक बार फिर से 2500 सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली होने वाली है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तैयारी में जुट गया है। ये बहाली भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से अनुबंध पर ली जाएगी। भू अभिलेख और परिमाप निदेशक जय सिंह ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि पहले चरण में 4628 कर्मियों की बहाली हुई थी। स्वीकृत पद 6875 है, जिसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275, कानून के 550, विशेष सर्वेक्षण जमीन के 4950 और लिपिक के 550 पद शामिल है। इसके अलावा 550 संविदा अमीन की रिक्ति भी साल 2019 में निकाली गई थी। इनमें से कई अब सेवा में नहीं है, यानी कि वो पद रिक्त है। उन्हीं पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि कर्मियों की कमी से दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। है कोविड 19 को मात देने की तैयारी। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी पटना की हालत सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इन सबके बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साफ कहा है कि कोविड 19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर स्तर पर काम कर रहा है। कोविड 19 संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामग्री, सेवाओं और मानव बल की अधिप्राप्ति के लिए जिला और मेडिकल कॉलेज स्तर पर समिति को प्राधिकृत कर दिया गया है। इसके साथ ही राज्य कार्यकारिणी समिति की तरफ से जिला स्तर पर और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्तर पर कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सामग्री, सेवाओं और मानव बल की अधिप्राप्ति करने के लिए समिति की तरफ से आवश्यक सामग्री, सेवा और मानव बल को चिन्हित किया जाएगा। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार में कोविड 19 के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके बाद ही परीक्षाओं को लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी। हालांकि बिहार बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षाएं निर्धारित समय पर ही होगी, जिसका प्रमाण बिहार बोर्ड की तरफ से बीते दिन जारी किए गए एडमिट कार्ड को देखकर ही लगाया जा सकता है। इसको लेकर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षा के निर्धारित तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने बीते दिन 10वीं की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इन एडमिट कार्ड को स्कूल हेड डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं छात्र अपना एडमिट कार्ड संबंधित स्कूल से हासिल कर सकते हैं। बिहार में अब बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। ठंड से अभी लोगों को थोड़ी राहत मिली नहीं थी कि बारिश को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है, जिसके तहत कड़ाके की ठंड झेल रहे बिहार के लिए अगले 72 घंटों में और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार बिहार में शुक्रवार रात से कई इलाकों में बादल घिर सकते हैं। कुछ जगहों पर पिछले 12 घंटे के दौरान हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो मोतिहारी सहित आसपास के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। बाकी राज्य में शनिवार से अगले 72 घंटे तक बारिश होने का पूर्वानुमान है। हालांकि बीते दो दिनों से लोगों को धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर बारिश की स्थिति बनती है तो एक बार फिर से बिहारवासियों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के 18 जिलों में खनन पदाधिकारियों की हुई पोस्टिंग। बीते दिन बिहार के 18 जिलों में खनन विभाग ने नए अधिकारियों की पोस्टिंग कर दी है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित खान एवं भूतत्व सेवा के परीक्षावान खनिज विकास पदाधिकारी की पोस्टिंग का काम किया जा रहा है। वहीं अब अफसर जिलों में खनिज विकास पदाधिकारी के पद पर पद स्थापित किए गए हैं। इसके तहत कुमार गौरव को पटना का खनिज विकास पदाधिकारी, प्रत्यय अमन को समस्तीपुर का, नरेंद्र सिंह को अलवर, कार्तिक कुमार को कैमूर और रोहतास, रागिनी कुमारी को वैशाली, मीना कुमारी को किशनगंज, राजकुमार मिश्रा को नालंदा, आकांक्षा प्रियदर्शी को कटिहार, हरीश कुमार को गोपालगंज, केशव कुमार पासवान को सिवान, सुमन कुमारी को नवादा, सचिन प्रकाश को सीतामढ़ी, कुमार रंजन को बांका, इमरान अंसारी को मधेपुरा, रणधीर कुमार को लखीसराय, प्रिया दीपिका को जहानाबाद, संतोष कुमार को सारण और बलवंत कुमार को पूर्वी चंपारण का खनिज विकास पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान। कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसकी तारीख की घोषणा बीते दिन निर्वाचन आयोग की तरफ से कर दी गई है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होंगे। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। मणिपुर में 2 चरणों में और 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा और इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव तारीख की घोषणा के बाद बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ये सभी कार्यकर्ता देश के चुनावी क्षेत्र में जाएंगे। भाजपा की जीत पक्की करने को लेकर कार्यकर्ता आमजन से मिलेंगे, अपने काम और कार्यशैली के बारे में सभी को बताएंगे।
बिहार पुलिस की गाड़ियों का अब नहीं होगा एक्सीडेंट। बिहार में रात्रि गश्ती के दौरान कई बार ऐसी खबरें निकल करके सामने आई है कि पुलिस की गाड़ियों में धक्का लग गया है या गाड़ी किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि घटनाओं को रोकने और जवानों की जान बचाने के लिए मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत पुलिस की गश्ती गाड़ियों में न सिर्फ अलग अलग रंग की लाइट लगाई जाएंगी बल्कि पेट्रोलिंग पर गए अधिकारियों और जवानों को चकमक जैकेट भी दिया जाएगा, जैसे कि सड़क पर कर्तव्य के दौरान खासकर के हादसों के वक्त रात्रि गश्ती में जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और जवानों को विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सभी पुलिस वाहनों में फॉग और सर्च लाइट लगाई जाएगी। दृष्टि वाहनों में इसके अतिरिक्त मल्टी कलर पेट्रोलिंग लाइट को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही मुख्यालय ने पुलिस गाड़ियों के चालकों की आंख की नियमित जांच कराने का आदेश भी दिया है। गाड़ियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों से काटा गया ऑन स्पॉट चालान। कोविड-19 के रोकथाम में बिहार सरकार अग्रसर होकर लगी हुई है, यही कारण है कि बार बार सार्वजनिक वाहनों में गाइडलाइन पालन करने की सलाह दी जा रही है, लेकिन अभी भी कई वाहन में इसका पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके तहत ही बीते दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। जिलों में बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने से पहले सभी यात्रियों का फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित किया गया। इस दौरान कुल 565 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले 223 वाहनों के विभिन्न वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया गया और 17 वाहनों को जब्त किया गया है। यह अभियान सभी जिलों में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर चलाया गया है। ऑन स्पॉट कई ई चालान भी काटे गए। बिहार के रिश्वतखोर अदालतकर्मी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन बिहार के रिश्वतखोर अदालतकर्मी पर अपना फैसला सुनाया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अदालतों में काम करते हुए रिश्वत के रूप में पैसे की मांग करना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इससे न केवल न्यायाधीशों पर बल्कि वहां कार्यरत लोगों पर भी बहुत उच्च मानक लागू होते हैं। दरअसल मामला ये है कि बिहार में एक जिला अदालत में तैनात कर्मी ने आरोपी को बरी कराने के लिए 50,000 की मांग की थी। इसी आरोपी से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। इसी मुद्दे को लेकर के बीते दिन न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सिटी रवि कुमार की पीठ को अपील करते हुए उनकी तरफ से पेश किए गए वकील ने बताया कि पिछले 24 साल से उस व्यक्ति ने बेदाग सेवा की और उसके खिलाफ यह एक पहला आरोप था, जिस पर ही पीठ ने कहा कि आप अदालत में काम कर रहे थे और पैसों की मांग कर रहे थे। कोविड-19 मृतकों के परिजनों को भुगतान करने के लिए आपदा प्रबंधन ने जारी किया पत्र। कोविड-19 के कारण जितने लोगों ने अब तक बिहार में जान गंवाई है उनको जल्द से जल्द भुगतान करने को लेकर आपदा प्रबंधन ने सभी डीएम को पत्र जारी किया है, जिसके तहत हर हाल में 10 जनवरी तक अनुग्रह अनुदान भुगतान करने को कहा गया है। आपदा प्रबंधन ने इसको लेकर जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है। पत्र में विभाग ने लंबित भुगतान की विस्तृत रिपोर्ट भी जारी की है, जिसके लिए एक फॉर्मेट भेजा गया है। आपदा प्रबंधन के विशेष सचिव और रामचंद्र डुकी की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है। पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कोविड-19 से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान से संबंधित सभी मामलों में एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहीं अब सभी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि 10 जनवरी तक भुगतान किसी भी हाल में कर दिया जाए। शिक्षा ऋण पर कोविड-19 की चोट। कोविड-19 के दूसरी लहर के दौरान साल 2021-22 की शैक्षणिक सत्र में अप्रैल से जुलाई तक उच्च शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसके बाद तीसरी लहर की आहट ने स्टूडेंट्स को और ज्यादा परेशान कर दिया है। इसको लेकर हाल ही में जनता दरबार में भी कुछ स्टूडेंट्स ने योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत भी की थी। शिक्षा विभाग में भी बीते कई दिनों से इस तरीके की शिकायत लगातार आ रही है। शिक्षा विभाग की माने तो शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद है, जिसके कारण स्टूडेंट्स के नामांकन सत्यता की जांच नहीं हो पाती है। आलम कुछ यूं है कि साल 2021-22 सत्र में 75,000 स्टूडेंट्स को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन अब तक DRCC पर 49,762 स्टूडेंट्स ने आवेदन दिए हैं। इसमें 28,456 स्टूडेंट्स की 813 करोड़ शिक्षा ऋण स्वीकृत हुई है और 26,532 स्टूडेंट्स को 529 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। बिहार के कई शहरों में बन रहा है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब प्लान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को लेकर एक के बाद एक काम कर रही है। इसको लेकर ही हाल ही में केंद्र की सरकार ने गति से प्रगति थीम पर योजना की शुरुआत की थी। इसी के तहत बिहार में गंगा नदी पर बन रहे 14 पुल, 4 एक्सप्रेसवे, बुलेट ट्रेन चलाने जैसी योजनाओं पर भी काम आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में कई ऐसे शहरों का चयन किया जा रहा है जहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हब बन सके। आसान भाषा में समझे तो ऐसे शहर जो जल, रेल और सड़क मार्ग से जुड़े या वहां लॉजिस्टिक के लिए एक स्थल पर जंक्शन विकसित किए जा सके। केंद्र सरकार की यह योजना सफल होती है तो आने वाले दिनों में बिहार के कई शहरों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेंगे।
दरभंगा एयरपोर्ट पर बन रहा है 1400 यात्री क्षमता वाला टर्मिनल। उत्तर बिहार से हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल के अवसर पर दरभंगा एयरपोर्ट का बहुप्रतीक्षित विकास कार्य फिर से शुरू हो गया है, जिसके तहत दरभंगा एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बन रहा है। यहां पर 1400 यात्रियों की क्षमता वाला टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यात्रियों को सड़क से सीधे टर्मिनल तक आने जाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके बनने के बाद संवेदनशील माने जाने वाले एयरपोर्ट के गेट से यात्रियों की एंट्री का झंझट भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पार्किंग स्थल भी बन रहा है, जिससे वाहनों की पार्किंग की सुविधा जल्द ही खत्म हो जाएगी। इसको लेकर दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक मनीष कुमार ने बताया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वायुसेना से 2.4 एकड़ जमीन मांगी थी। इसी जमीन पर 1400 यात्रियों की क्षमता वाला नया अस्थायी टर्मिनल बन रहा है। जदयू के बाद राजद कार्यालय पर लगा ताला। राजधानी पटना में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आलम कुछ यूं है कि राज्य भर में आए मामलों में सबसे ज्यादा संक्रमितों की संख्या पटना में ही देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, इस बार तो कोरोना की आंच राजनीतिक गलियारे तक भी पहुंच गई है। आलम कुछ यूं है कि जदयू भाजपा के कई मंत्रियों की कोरोना रिपोर्ट हाल ही में पॉजिटिव आई है। वहीं कुछ दिनों पहले ही जदयू कार्यालय के कई कार्यकर्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जदयू कार्यालय को बंद कर दिया गया है। वहीं अब बीते दिन राजद कार्यालय में भी कोरोना के कई मामले सामने आए। हालांकि इनमें कोई पार्टी से जुड़े लोग तो नहीं थे, लेकिन बाहर से आए लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब राजद कार्यालय को भी बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में तेज प्रताप करेंगे चुनाव प्रचार। बीते दिन निर्वाचन आयोग की तरफ से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान कर दिए गए हैं, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति भी चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की चुनावी रैलियों में हिस्सा लेने वाले हैं। उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। वो अखिलेश यादव की सरकार वहां पर जरूर बनेगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी दो टूक तंज कसा, जिसके तहत राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बर्बाद कर दिया है। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को बताया मौका परस्त। बिहार की सियासत इन दिनों विशेष राज्य का दर्जा और जातीय जनगणना को लेकर गर्म है। इन सब के बीच बीते दिन दिल्ली से पटना लौटे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने सवाल उठाया कि डबल इंजन की सरकार में जब नीतीश कुमार की बात सुनी ही नहीं जा रही तो वो वहां किस लोभ में पड़े हुए हैं। विशेष राज्य के लिए खुद के डिप्टी सीएम मना कर चुके हैं, फिर बताएं कि नीतीश कुमार इस गठबंधन में किस लालच में है। यह सिर्फ डराने की राजनीति कर रहे हैं। जातीय जनगणना और स्पेशल स्टेटस नहीं मिल रहा है तो हिम्मत दिखाकर अलग होकर दिखाइए, लेकिन नहीं, क्योंकि जब तक वहां पर इनको रोटी देना हो जाए महागठबंधन में, जब तक कोई इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानेगा कि नहीं मानेगा, वहां पर भी तो इसकी लड़ाई है। ये अपनी ही राजनीति में उलझे हुए हैं। संजय जायसवाल के बाद राजद ने खरमास के बाद बिहार में पटका लगने का किया दावा। बिहार की राजनीति में इन दिनों खरमास के बाद कोई बड़ा खेला होने की बात लगातार कही जा रही है। इसी बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के एक बयान को राजद ने हाथों हाथ लिया है, जिसके तहत राजद का कहना है कि भाजपा अध्यक्ष का बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही निशाने पर लेकर है। दरअसल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल द्वारा समाजवादियों को परजीवी कहे जाने पर राजद ने ये बातें कही है, जिसको लेकर के राजद के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अपनी सरकार के मुखिया पर ही तंज कस रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी अपने आप को समाजवादी कहते हैं। भाजपा को सत्ता जाने का डर सताने लगा है। समाजवादी एक है और रहेंगे। भाजपा और आरएसएस परजीवी है। समाजवादियों की तरफ से अभी तो धीरे से जोर का झटका जगदानंद सिंह ने दे दिया था। खरमास बाद अब पटका जरूर लगेगा। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में मुंबई पहुंचे। पहला भारतीय वैज्ञानिक दल 1982 में अंटार्कटिका पहुंचा। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायक महेंद्र कपूर का जन्म 1934 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय बॉलीवुड निदेशक अभिनेता फिल्म निर्माता गायक फरहान अख्तर का जन्म 1974 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के स्वाधीनता सेनानी और राजनेता छोटू राम का 1945 में निधन आज ही के दिन हुआ था। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और कवि कंवर जलालाबादी का 2003 में निधन आज ही के दिन हुआ था। सचिन तेंदुलकर नहीं खेलेंगे लेजेंड्स लीग क्रिकेट, अमिताभ बच्चन पर लगा आरोप। एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने शनिवार को स्पष्ट किया है कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर आगामी लेजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी का हिस्सा नहीं है। एलएलसी एक पेशेवर क्रिकेट लीग है जो संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के लिए है। इसमें हाल ही में अपने भारतीय टीम की घोषणा की है। अभिनेता अमिताभ बच्चन की मौजूदगी वाले इसके एक प्रचार वीडियो में तेंदुलकर भी दिख रहे हैं, जिससे लीग में उनकी भागीदारी की भी बात हो रही थी। तेंदुलकर के प्रबंधन का काम देखने वाली कंपनी एसआरटी स्पोर्ट्स के आधिकारिक प्रवक्ता ने हालांकि लीग में उनकी भागीदारी को खारिज कर दिया है। एसआरटी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि तेंदुलकर के लेजेंड्स लीग क्रिकेट में भाग लेने की खबर सच नहीं है। आयोजक को क्रिकेट प्रशंसक और अमिताभ बच्चन को गुमराह करने से बचना चाहिए। मास्क
मास्क लगाकर निकले सभी पुलिसकर्मी। बिहार के रेंज आईजी राजेश राठी ने कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पुलिस को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। इसके तहत उन्होंने पुलिसकर्मियों को मास्क पहनकर गश्ती और अन्य काम करने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि पुलिस वालों को एहतियात बरतने की जरूरत है। पेट्रोलिंग गाड़ी में हमेशा सैनिटाइजर रखे और समय समय पर उसका इस्तेमाल करे। इसके अलावा गश्ती पार्टी चौक चौराहे पर मार्किंग सिस्टम के जरिए लोगों को मास्क पहनने को लेकर जागरूक करे। ये नियम खासकर की फील्ड में रहने वाले पुलिसकर्मियों के लिए लागू किया गया है, क्योंकि पुलिसकर्मी हर रोज काफी लोगों से मिलते जुलते हैं। कई बार पुलिस को भीड़ में जाना पड़ता है, लिहाजा एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। गौर करने की बात यह है कि पिछले साल में कोविड 19 संक्रमण के दौरान काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी बीमार पड़ गए थे, लिहाजा इस बार पुलिस महकमा पहले से ही एहतियात बरत रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, इनके नाम है वीर वीरेंद्र, नरेश कुमार, बिनद, बबीता यादव, गौतम कुमार, नेहा सिंह, शिव कुमार पासवान, काजल कुमारी, सौरभ कुमार, दीपक कुमार, रूपेश कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव करवाने के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।